राजधानी भोपाल में रानी कमलापती आर्च ब्रिज के लोकार्पण नहीं होने को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। एक और जहां भोपाल के महापौर आलोक शर्मा ने धरना देकर प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर विकास कार्यों में रोड़ा डालने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्षद शबिस्ता जकी ने महापौर पर तानाशाही का आरोप लगाया है। इस दौरान कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए महापौर आलोक शर्मा का पुतला भी दहन किया। विस्थापन करने का कोई नियम नहीं है। 30 साल पहले इनको यहाँ विस्थापित किया था, इनको सारे कागजात नगर निगम ने दिए थे। आज फिर 30 साल के बाद उन्होंने अपना छोटा सा आशियाना बनाया और यहाँ पर महापौर जी आ गए, और जबकि उसका सॉल्यूशन था कि आप है ना मलेरिया ऑफिस से आर्च ब्रिज को निकालते तो वहाँ से आराम से कोई विरोध नहीं करता और ना ही 40 लोग बेरोजगार होते। वहाँ पर 10 लोगों की 10 दुकानें हैं और जिसमें कम से कम 10-10 लोग वहाँ पर वर्क करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो ये कौन सा विकास है जो है ना महापौर जी करना चाहते हैं? एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम है ना जनता की पक्ष में और जनता की योजनाओं के तहत काम करते हैं, और वहीं पर लोगों को बेरोजगार करना चाहते हैं। हमारा बिल्कुल विरोध नहीं है इस बात का कि लोकार्पण ना हो, बिल्कुल लोकार्पण हो, लेकिन जो तरीका है आप इनको बेरोजगार ना करें, इन लोगों के चारों लोगों के घर ना तोड़ें, परिवार वालों को ये, क्योंकि इनके परिवार वाले जब पहले विस्थापन हुआ था 30 साल पहले तो इनके परिवार के 3 लोग मरे थे। अब है ना ये अकेले सिंगल बच्चे हैं, 30 साल तक उन्होंने बनाया, अब वो अपने बच्चों की शादी करेंगे या विस्थापन करने के बाद ये आर्च ब्रिज उसके ऊपर से निकाल दें और फिर वो यहाँ से काम लगभग आधा पूरा हो चुका है। हाँ, इतना विरोध लेट क्यों? हम नहीं बनते पहले दिन से हमने हर फोरम के ऊपर आवेदन दिया है और हर जगह है ना ये इसीलिए रुका हुआ था क्योंकि ये गलत है। इनके मास्टर प्लान के अंदर आर्च ब्रिज बिल्कुल नहीं है, और आर्च ब्रिज जो है ये जन सुविधा के उसमें नहीं आता, जनता की सुविधा में नहीं आता, ये विलासिता की श्रेणी के अंदर आता है। आप अपने शोबाजी करने के लिए, अपना नाम की प्लेट लगाने के लिए, ऐसा थोड़ी ना है कि आप लोगों के परिवारों को है ना मतलब तबाह बर्बाद कर देंगे, लोगों के आशियाने मिटा देंगे, रोजगार अभी जहां जहां भी लोगों को हटा रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे, लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि आप बिल्कुल मलेरिया ऑफिस के सामने से निकाल लीजिए, पीछे के साइड से बिल्कुल आपका निकल जाएगा और कर लीजिए। ये जो जमीन है किसी और के लिए थी? जी ये जमीन जो है वक्फ बोर्ड की जमीन है और यहाँ पर कब्रस्तान थे, जब इसको खोदेंगे अंदर तो यहाँ पर कब्रस्तान निकलेंगे। क्या किसी के विश्राम घाट या किसी के कब्रस्तान को हमको इस तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? क्या किसी को ये राइट दिया है क्या कानून ने? हम लोग भी है ना संविधान पढ़ते हैं और संविधान के दायरे के अंदर रहते हैं, तो महापौर को ये शोभा नहीं देता कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को है ना डिस्ट्रॉय करें, खत्म करें। इसलिए हम यहाँ पर उनका पुतला दहन करने आए हैं।